सुंबुल इतनी बड़ी झूठी है और सुंबुल इस तरीके से अपनी ही कही हुई बात को भूल जाती है, ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था सुंबुल से। और वो जो झूठ बोल रही है वो उनके फेस पर दिख रहा है। अब मैं ऐसा कहूं या ना कहूं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं और जनता कह ही रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूं कि जनता ने आखिर किस मुद्दे पर बात कही है। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि सुंबुल जब झूठ बोलती हैं तो उनका झूठ ना सिर्फ देख जाता है बल्कि एविडेंटली घर वाले उस झूठ को पकड़ लेते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ है जब साजिद खान ने भी ये कहा था कि तू एविडेंटली कुछ भी बोलती है और फिर बाद में भूल जाती है, तो या तो बोला मत कर। इस वक्त कल के एपिसोड में आपने क्लियरली देखा कि सुंबुल जो है वो किचन एरिया में होती हैं और शालीन का उन्होंने पुलोवर पहना होता है, जिसके बाद टीना कहती हैं कि ये शालीन का है ना, तो वो कहती हैं सुंबुल की हाँ शालीन का है, वहाँ पे रखा था तो मैंने पहन लिया, हक जताते हुए। जिसके बाद टीना यही बात शालीन को कहती हैं कि अच्छा आप तो स्वेटर्स दिए जा रहे हैं बिना पूछे, हक से स्वेटर्स लिए जा रहे हैं। शालीन ने कहा नहीं, उसने पूछा कि मैं पहन लूँ क्या, मैंने दे दिया पहनने के लिए, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो उसके बाद जो है आप भी जानते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है हुआ किचन एरिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन एरिया में सुंबुल ने ये जैकेट पहनी हुई थी। टीना उनसे बात करते हुए कहती हैं कि ये जो जैकेट है तेरी, यू नो, ये तेरे पे अच्छी लग रही है पहना कर। अगर सुंबुल चाहती तो उन्हें क्लियरली बता सकती थी कि मैंने ये जो पहना है ये शालीन से मांग के पहना है, लेकिन सुंबुल ने क्या कहा कि नहीं मुझे अच्छा लगा तो मैंने पहन लिया, मतलब मेरा तो हक बनता है तो मैंने ले लिया, है ना। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि शालीन ने टीना से बातचीत की। जी हाँ, शालीन टीना, फिर शालीन वहां पर आए, शालीन ने टीना से बातचीत की और कहा कि नहीं मैंने उसको नहीं दिया, उसने मांगा तो मैंने उसे दिया। तो इसी बात से ये सामने आ गया कि टीना के सामने जलाने के लिए टीना को सुंबुल ने जानबूझकर ये झूठ कहा था, वरना ये स्वेटर वाली बात इतनी बड़ी तो थी नहीं कि आपको झूठ बोलना पड़ रहा हो इसके लिए। आप नॉर्मली भी बोल सकते थे ये चीज़ कि मैंने शालीन से मुझे मांगना था तो मैंने मांग लिया। लेकिन हाँ, जिस तरीके से सुंबुल का झूठ पकड़ा गया और टीना और शालीन दोनों ने इस चीज़ को पकड़ा कि सुंबुल झूठ आखिर क्यों बोलेगी किसी बात पे, क्या टीना को जेलस फील कराने के लिए, क्या अभी शालीन को लेकर वो उतनी पजेसिव है, शालीन को लेकर क्या अब भी उनके दिल में इमोशंस हैं। तो अब तक ये सुंबुल शालीन टीना ये जो पूरा मामला है ये एक सर्कस की तरह ही लग रहा है, जैसे ये सीजन के यू नो थीम भी है और ऊपर लिखा गया है वेलकम टू द सर्कस, तो ये डेफिनेटली एक सर्कस थीम ही लग रही है, ऐसा लग रहा है। अब तक क्लैरिटी नहीं मिली है कि क्या हो रहा है, उनको खुद को नहीं मिली तो हमें तो क्या ही मिलेगी। आपको इस पर क्या है कहना, और सुंबुल के इस झूठ पर, क्योंकि सुंबुल ने झूठ कहा, जब शालीन ने जाकर पूछा सुंबुल से कि तुमने टीना से क्या कहा, तो सुंबुल ने कहा कि मैंने यही कहा कि मुझे तो ये शालीन ने खुद दिया है। तो देख रहे हैं आप, सुंबुल का झूठ साफ पकड़ा गया, तो ये है तो काफी खराब बात, लेकिन क्यों उन्होंने ऐसा कहा होगा आपको क्या लगता है बताइएगा।